हाउ टू स्पीक, मैं जानबूझ के यहां से रुका रहा हूं, हाउ टू स्पीक। गलती हो गया, हम हमेशा नोटबुक देते हैं कि नोट करो, नोट नहीं करोगे गुम हो जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या है। हाउ टू स्पीक बड़ा सिंपल फार्मूला है, हमने उस पर अमल किया। बच्चों के साथ क्या होता है, वो इतना बड़ा पेपर देते हैं, लिख लेते हैं, वो सोचते हैं मैंने बोलना है, सब कुछ बोल के जाऊं। बुद्धा ने समझाया 5000 साल पहले कैसे बोलना है, क्या कहा उन्होंने, जानकारी नंबर वन, यू मस्ट हैव एन इंफॉर्मेशन, आपके पास जानकारी होनी चाहिए, नोट करना जानकारी। बाबा साहब ने क्या कहा, जानकारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, सबसे, छोटा मोटा नहीं, जानकारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन अब मैंने जानकारी सामने बैठे हुए लोगों को देनी है, हाउ टू प्लेस, कैसे देनी है। मैं जब भी जाकर बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो इसका अर्थ है मुझे समझाना नहीं आता। इसका क्या अर्थ है कि जो समझाने वाला व्यक्ति पहले जिम्मेदारी लेता है, हाउ टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, आपको कैसे समझाना है, ये अहम बात है। तो बुद्धा ने कहा, हमारे पुरखा ने, जानकारी है, बोलते हो कहते उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण, जानकारी है हमारे पास, क्या जानकारी है सब्जेक्ट की, सफाई कर्मी जातियां, ये हमारे पास जानकारी है, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और एक वाक्य में समाधान लिखा हुआ है, फूले अंबेडकर की चारधारा, इस पर अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी कुछ थोड़ा और कहूंगा। क्या करना है, जानकारी उसका विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ है उसका पोस्टमार्टम करना, इसको खोलो, अभी खोलूंगा। इतिहास में सफाई कर्मी जातियों के साथ भारत में क्या हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि मैंने बहुत पहले पुस्तक लिखा था, मैंने फिर उसको निकाला, मुझे लगा कि इसको फिर बताया जाए, याद दिलाया जाए। बाबा साहब बोलते थे कि जो कौमें, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो नए इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। भारत के समाज निर्माण संघ नए इतिहास का निर्माण करना चाहता है, इसलिए हम इतिहास को याद दिलाएंगे, नया इतिहास। तो बुद्धा ने कहा, जानकारी का विश्लेषण करो, खोलो। खोलने के बाद थर्ड, खोलने के बाद उसको कंक्लूड करो, आपने जानकारी क्यों दिया उसका विश्लेषण करो, खोलो, पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम करने के बाद व्हाट टू कंक्लूड, मेरा सारांश क्या है, ये मैंने जानकारी क्यों दिया इसको कंक्लूड करना सीखो। और खास बात कहते कि जानकारी थोड़ी सी दो, उसका क्या तरीका है, कहते कि ओपन, ओपन एंड क्लिक, ज्यादा बोलोगे कंक्लूड नहीं कर सकोगे, थोड़ा सा बोलो, ओपन एंड क्लिक, अच्छे से बोल पाओगे, ओपन एंड क्लिक। इस पर अमल करके देखना, आपने एनालिसिस किया, उस पर कंक्लूड किया, पर कंक्लूड करने के बाद थर्ड मैसेज, मैंने कंक्लूड किया इसका संदेश क्या है, आज इस टॉपिक पे बोल रहे हैं हम, क्या मैसेज अपने पढ़े लिखे साथियों को जिनके अंदर आग लगी लगी हुई है, ये साधारण लोग नहीं है, तो बैठे हुए हैं आज, ये एक मिशन पे चर्चा हो रही है जिसकी बात अभी वीर सिंह ने की थी। तो मैंने बेटियों को देख के, अभी मैं नेट पे देख रहा था, संसार की एक महान महिला है, लड़की है, 89 को उसका जन्मदिन हुआ, उसका नाम है लिजी वेल्स केजा, और उसने बुक लिखी लिजी ब्यूटीफुल। वो जन्म उसका हुआ, डॉक्टरों ने बोला ये लड़की जो है शी इज द अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बदसूरत लड़की, बैठे बैठे भी निकाल लेना, लिजी ब्यूटीफुल। मैंने उसकी पुस्तक पढ़ा, मैंने बैठा उसको कहा था बेटियों को देख कि मुझे ये कोट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, देश के लोग हताश नवाश हैं, जिंदा लाशें हैं, हम मुर्दा लोगों को जिंदा करना चाहते हैं, ये फूले अंबेडकर की विचारधारा है, जो मुर्दा, ये वो
जब वो 17 साल की हुई तो उसकी बुलिंग हुई, ट्रॉली में क्या कहते हैं उसको, उसकी बुलिंग हुई। बुलिंग हुई, 5 लाख लोगों ने उसके बारे में लिखा नेगेटिव कि आपकी लड़की इतनी बदसूरत है, बेहतर नहीं होगा इसको मार दो। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बेटियां बैठी हुई हैं। वो लड़की ने पढ़ा, यदि 5 लाख में मैंने देखा, क्या 5 लाख लोगों ने किसी ने कहा है कि लड़की का ध्यान रखो? उस लड़की ने अपने मां बाप को बताया कि पापा ये तो 5 लाख लोगों ने मेरे बारे में कहा है, यू आर अगलीस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, इसको एलिमिनेट कर दो, मार दो। उसके बाप ने कहा बेटा उन लोगों को तेरा पता नहीं है, तू भी बहुत सुंदर है, ध्यान रखना। जब उसने ये बात सुनी उसने सोचा मेरे अंदर इतने गुणसूत्र हैं, इतने ट्रेट्स हैं, इतने गुणसूत्र हैं। उस लड़की ने मेहनत करना शुरू किया और दुनिया में उसको कहा गया, आज की तारीख में वो वर्ल्ड की महान मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या कहते हैं, जब मैं जाती हूं कई बार जहाज में बैठती हूं तो मुझसे चला नहीं जाता, पर मैंने सोचा हुआ है, मैंने समाज के लोगों को ठीक करना है, बताना है कि अगर आपके अंग खराब हो गए हैं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा दिमाग ठीक है, इस दिमाग से लोगों को मैं जिंदा करूं। अगर आपका दिमाग दुरुस्त है तो आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हो। ये हमारी बेटियां ऐसा कर सकती हैं मुझे लगता है। और आज जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं, मैं पंजाब की धरती से आया, पंजाब की धरती के दो महान लोग वाल्मीकि जाति के, एक भागमल पागल, भागमल पागल बाबा साहब अंबेडकर 2 बार गए, मेरे से बात हुआ, कहने कल्याणी जी बाबा साहब अंबेडकर 2 बार आए, मैं उनसे मिला। ये बात क्यों शुरू कर रहा हूं, भागमल पागल, भागमल पागल वो व्यक्ति है, दृष्टांत में बाद में बताऊंगा, मैंने इंटरव्यू लिया उनका, वो कहते कल्याणी जी तब मैं लाहौर में था, मैं अपने आप को पागल ही लिखता था क्योंकि नौजवान था, बाबा साहब अंबेडकर बोलते इस मेले में पहुंचे थे तो मेरे पास एक साथी आया, कहते भागमल आपको पता नहीं बाबा साहब अंबेडकर लंदन में हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते नहीं मुझे नहीं पता, और हम चाहते हैं सफाई कर्मी जातियों के लोग चाहते हैं, तब आमतौर पर चूड़ा भी बोल देते थे क्योंकि 1925-25 की कॉन्फ्रेंस है, बाबा साहब अंबेडकर वहां गए तो कहते हम बाबा साहब अंबेडकर के पत्र लिख रहे हैं अपने खून से। कहता कि मैंने भी जब कहा खून से पत्र लिखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर को उस भंगी जाति के लोगों ने खून से पत्र लिखा, भागवत कहते मैंने भी खून से संदेश किए, बाबा साहब अंबेडकर आप हमारे नेता हो, गांधी हमारा नेता नहीं है। वो पत्र लिखा, गांधी इज नॉट योर लीडर, बाबा साहब अंबेडकर हमारे नेता है, एक जो अनपढ़ व्यक्ति थे, मैं उन्हें अनपढ़ नहीं कहूंगा। याद रखो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, अनपढ़ व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकता है। रैदास जी महान बुद्धिजीवी थे, कह रहे हैं समस्या बता रहे हैं, साधो अविद्या अहंकीनो अमारा सत्यानाश, ब्राह्मणों ने इसलिए किया हम अविद्या में रहे, हमें पढ़ने में दिया, साधो अविद्या अहंकीनो हमारा बेड़ा गर्क इसलिए हुआ हमें पढ़ने नहीं दिया। ये बात मध्यकाल के संत कह रहे हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भागमल पागल सिग्नेचर कर रहा है। कहता है ऐसे उसने ब्लेड निकाला, मैंने ब्लेड से ऐसे अपनी उंगली को काटा, लिखा भागमल। और हरिद्वती ने कहा मैं उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में जाकर देखा, वो मुझे पत्र मिल गया है, जो पत्र भंगी जाति के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को लिखा, क्योंकि हम 2006 में गए थे, वो 2005 में गए थे, पर वो माने नहीं, मुझको दिया नहीं, पर खास बात मंच पे कहा, वो पत्र मैंने देख लिया है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जो 20 की जोड़ दे रहे थे क्या हम मरे हुए लोग हैं, तब हमारे लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना नेता मान रहे हैं, खून से साइन सिग्नेचर करके भेज रहे हैं। और खास बात कहते बाबा साहब अंबेडकर जब जलंधर में आए
तो मैं मंच पर स्टेज सेक्रेटरी था, तो मैं बात बताना चाहता हूं। लेकिन मेरे ध्यान में होता था कि ये भंगी लोग भी कहीं कभी शासक बन सकते हैं। तो कहते मेरे बाबा साहब अंबेडकर को मंच पे कहा, बाबा साहब अंबेडकर बैठे हुए हैं, कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि क्या वाल्मीकि जाति भी कभी शासक बन सकती है। ये प्रश्न भागवत पागल शायर थे, कवि थे, ये प्रश्न किया और वो खुद बताते थे मुझे। बाबा साहब अंबेडकर ने उत्तर दिया मंच पे, भागवत पागल या तो पागल हो गया है, ये आपके लिए बता रहा हूं। आप क्या कही, भागवत पागल या तो पागल हो गया है। भारत में कोई भी एक जाति अपने दम खम पर इस देश का शासन नहीं कर सकती। अगर शासक बनना है तो हमें सभी जातियों को, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी भी, जो इकट्ठा करना होगा, इस सभी जातियां इकट्ठा होंगी तब हम शासक बन सकते हैं। ब्राह्मण कभी ये नहीं कहता ब्राह्मण के नाम पर मुझे वोट दो। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार बनता है वोट, उन्होंने हिंदू के नाम पर मांगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस जगह पर चर्चा कर रहे हैं, अगर थोड़े से इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ना दें तो बात नहीं बनती। मैंने पुस्तक जो है अभी अभी निकाल के लेके आया, ये जो पुस्तक लिखी हुई है खामोश दास्तां के लिए मन सुनी दास्तां दी, छोटी छोटी हम पुस्तकें लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी पढ़ने का शौक नहीं है। एक बार हम किसी को बुक देते हैं, पूछते हैं साल बाद दो साल बाद, मैं कह देता हूं मान्यवर लग रहा है कि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी, जो पढ़ेगा आपको वापस देगा। ये हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकली, हम फील्ड में गए, पंजाब और हिमाचल में हमने जाके इसका रिसर्च किया और इसको लिखा अनसुनी दास्तां। ये पुस्तक लिखी छोटी सी, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई 2002 में। तो एक दिल्ली के ऊपर विजय प्रसाद कमाल की हस्ती है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से है, उन्होंने रिसर्च किया है सफाई कर्मी जातियों के ऊपर। उस पुस्तक का नाम है अनटचेबल फ्रीडम, अछूतों की आजादी, ये पुस्तक है। और उसने सफाई कर्मी जातियों के ऊपर अलग अलग नाम से रिसर्च किया है। मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा था इतिहास की जानकारी, थोड़ी सी इतिहास की जानकारी के बाद हम कंक्लूड करके क्या संदेश देना चाहते हैं, यह अनुभव। उन्होंने कहा अलग अलग नाम दिए, बेहतर, चूड़ा, भंगी, ये नाम दिए हुए हैं। क्योंकि बेहतर का अर्थ होता है, मैं थोड़ा इसलिए बता, बेहतर का अर्थ प्रिंस राजकुमार। अंदाज लगाओ कितने शातिर थे अकबर। अकबर के जमाने में वो हमारे लोगों को कहते हैं खाकरो, खाक साफ करने वाले, लोगों को गुस्सा है सर खाकरो ना, ये नाम ठीक नहीं। कहता कोई बात नहीं, आपका आपका नाम है लालपुर, हम मान गए, नाम बदलने से खुश हो गए, खाकरों से हलालपुर बेहतर, इस सारे नामों से उस व्यक्ति ने विजय प्रसाद ने स्टडी किया है। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कितनी बार हम आते रहते हैं पुस्तक मेला में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रीप्रिंट बुक नहीं किया, उसने जानकारी दी है कि जो सफाई कर्मी है दिल्ली का, इसके ऊपर फोकस करके अपना अध्ययन किया है। ये खास बात है, क्योंकि मैं इसलिए भी बात कर रहा हूं कि एक ब्रिटिश सोशल वर्क की है, तो ये बड़े कमाल के सब्जेक्ट है अगर इसके अंदर घुसोगे। मैं बार बार बोलता हूं मध्य काल के सबको, कहते जिन खोजा तिन पाया, खोज तो करो, हम पढ़ते ही नहीं है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैर, खोज करोगे सिप्पियां मिलेंगी, कंकर मिलेंगे, रोड़े मिलेंगे, पर वहां से हीरे भी मिलेंगे, हम हीरे निकालने वाले हैं, ये हीरे हैं समाज के, हीरे निकालेंगे। जिन खोजा तिन पाया, व्यक्ति वो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो कहता है कि जो बॉम्बे है, स्टडी दिल्ली भी किया उसने, पर एक कमाल बात कहता है कि पुर्तगाल वालों ने जब चार्ल्स दूसरे की शादी होता है तो पुर्तगाल जो है इंग्लैंड को तोहफे में बॉम्बे को दान करता है। ये मैं सफाई कर्मी जातियों को कैसे इस्तेमाल किया, इनके साथ क्या हुआ, ये संक्षेप में बताना चाहता हूं। बुक थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा भी नहीं, 250 पेज की है। तो कहते हैं कि वो जब इनको इंग्लैंड को चार्ल्स दूसरे को उपहार में देता है, वो देखते हैं कि गंदगी बहुत है,
और उन्हें 2 फीट को टच किया जा रहा दिल्ली के ऊपर फोकस किया। वो कहते हैं कि इसकी साफ सफाई कैसे की जाए। और चिंता में है कि दिल्ली के अंदर भी एक वर्ष में 6434 लोग जो है बीमारी का कारण मर जाते हैं, क्योंकि सफाई कर्मी अपनी मर्जी से सफाई करता है। ये लिखा हुआ है मेरे पास है, बड़े कमाल का उनकी राइटिंग बड़े कमाल की है कि सफाई कर्मी सफाई का धंधा नहीं करते, इसलिए उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कि ये लोग जो है अंग्रेजी में लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ द स्वीपर फ्रस्ट्रेटेड द कॉलोनियल ऑफिशियल्स। अंग्रेजों ने पहला लिखा कि जो अंग्रेज हैं डरे हुए हैं सफाई कर्मियों से, क्योंकि सफाई कर्मी अपनी मर्जी से का काम करता है, उसकी वजह से 6000 लोग दिल्ली में ही मर जाते हैं, इतने ज्यादा कूड़े का ढेर हो जाता है। ये मैं आंदोलन की बात बता रहा हूं, सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, वो इतने इकट्ठे हैं कि वो एक रेफरेंस दे रहा है, मैं जानबूझ के आगे बढ़ रहा हूं, लंबा ना कहीं हो जाए। ये जो है लिख के अंग्रेज कहता है कि सफाई कर्मियों इतने खतरनाक लोग हैं, और कहते हैं कि लोग इतना डरते थे जब सफाई कर्मी पुलिस को कंप्लेंट करता था कि ये बनिया जो है ये मुझे खराब कर रहा है, क्योंकि इनका सैलरी कोई नहीं बता रहे हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, इनको सैलरी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत पैसा वो कोई लोग देते हैं, और हालत खराब है दिल्ली की। अब अंग्रेजों को कौन बताता है, सैलरी कोई नहीं है। अब सैलरी नहीं है तो ये भंगी क्या सोचता है, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू करता है। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, कमाई कोई नहीं है। अंग्रेजों को किसने बताया कि जाति विशेष ही काम करेगी, कौन किसने बताया, ब्राह्मण ने बताया। चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे गुलाम हैं जिनसे हम काम ले सकते हैं, ये बताया। इसलिए अंग्रेज बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द स्वीपर्स फ्रस्ट्रेटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सताए हुए लोग हैं। जब ये बात कहते हैं तो एक महान संसार के विचारक हैं ग्रामजी, ग्रामजी को जेल में डाल दिया इटली में, मुसोलिनी था जो उसने विचार दिया। हमने क्या कहा, फूले अंबेडकर की विचारधारा और आंदोलन से जो यहां वक्ता बोले उनको भी समझा रहा हूं, ऐसे नहीं पॉलिटिकल ताकत काम देगी, पॉलिटिकल ताकत ऐसे आने वाली नहीं है, उसके लिए सामाजिक आंदोलन चलाइए, ये सिद्धांत है। और ग्रामजी कह रहा समझा रहा है कि नेता जो कैसा होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं समझा रहे हैं कि नेता वो होता है, मैं समझा रहा हूं, नेता वो होता है जो मुर्दों को जिंदा करता है। कहते ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, कब्रों से मुर्दों को निकाला, कोई नहीं निकाल सकता, लोग मरे हुए थे उनके अंदर जान फूंकी, हु इज द लीडर, नेता वो है जो मुर्दों को जिंदा करे, नेता वो है जो अंधों को आंखें दे। आज जरूरत है समाज की, उस जमाने में सफाई कर्मी इतने संगठित थे कि एक हड़ताल होती है, वो उस जमाने की बहुत बड़ी हड़ताल मेंशन किया हुआ है। कहते हैं कि एक हड़ताल हुई 1783 हड़ताल होता है, बड़ा अहम है हड़ताल, वो जब हड़ताल होता है तो कहते उस हड़ताल के अंदर कहते हैं 1873 दो स्ट्राइक है 1873-1876, ये दो स्ट्राइक दिल्ली में होती है, इतनी खतरनाक स्ट्राइक। कहते कि जब सफाई कर्मी स्ट्राइक करता था किसी की जुल्म नहीं थी कि काम करे, और कहते लिख के सरकार ने दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बीन डिफीटेड बाय द स्वीपर यूनियन, लिख के दिया सफाई कर्मियों की यूनियन, सफाई कर्मियों की एकता ने हमारे को फेल कर दिया, ये सरकार लिख के दे रही है। अब इनका सैलरी कोई नहीं है, जो अहम बात में कहां कंट्रोल करा, इनकी कोई सैलरी नहीं है, जो इनको भावन रुपया देता है वो ले लेते हैं, और ये गार्बेज इकट्ठा करते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, खाद बनाते हैं, खाद बनाने से इनके घरों में आमदन आनी शुरू हुआ, सोर्स ऑफ इनकम बना। हमारे साथ क्या हुआ बता रहा हूं, मारो इनको, मारो सालों को, जानबूझ के भले भी बोल रहा हूं, कैसे मारा, कोई सैलरी नहीं होगा। अब इनके घरों में जब पैसा
पैसे आना शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा आर्थिक हालत ठीक हुआ, बढ़िया बढ़ना शुरू, क्या कर रहा है, इसकी जेब में पैसा आना शुरू हुआ। अंग्रेजों ने एक इंस्ट्रक्शन निकाला, लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, कार बेस, पहले क्या दिया था लिख के स्टार्ट में आते ही, कार बेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लीपर। ये किसने लिखवाया? ब्राह्मणों ने, कार बेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लीपर। और स्लीपर बहुत खुश था, हमारी प्रॉपर्टी है, घरों में कूड़ा रखते थे, उसको कूड़े को बेचते थे, खाद पड़ती थी। उन्होंने सोचा इनको सीधा किया जाए, इतने खतरनाक लोग हैं, साफ सफाई का धंधा नहीं हो रहा। अब म्युनिसिपैलिटी एक एक्ट बनाती है और कहती है इनको सफाई कर्मी बनाया जाए। जब सफाई कर्मी बनाया, इनका वेतन फिक्स किया 4 रुपए, इनके खाने में कूड़ा मिलेगा, इनको 10 रुपए जुर्माना पड़ेगा। 4 रुपए एक महीने का वेतन सफाई कर्मी को। मैं ये बता रहा हूं कि सफाई कर्मियों के साथ अंग्रेजों से मिलकर ब्राह्मण कौन सी साजिश कर रहा है, कौन सा षड्यंत्र कर रहा है। और वो हिल गए सफाई कर्मी, इनके घर में कूड़ा निकलेगा कि इनको 10 रुपए जुर्माना होगा। फिर उन्होंने सोचा आगे इनको पक्का किया जाए, और लिखा हुआ है तब का भी, भारत में एक ही सफाई कर्मी जातियां हैं जो काम करने के बावजूद भी सैनिटरी इंस्पेक्टर को पैसे देते हैं, बाकी सब जगह लोग रिश्वत लेते हैं, ये देते हैं, ये गुलामी बोल लेने को तैयार है। सफाई कर्मी बनाओ। एक आदमी ने कहा जी मैंने अपना घर गिरवी रख लिया पंजाब में नौकरी लेने के लिए, घर गिरवी रख दिया। जब इनकी कमाई आना शुरू हुआ, अब हालात ऐसे हैं, कहते इनको पक्का मत करो, थोड़ा थोड़ा इनके बच्चे डॉक्टर बनने शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बने हैं, कुछ बच्चे PhD करके इस मंच पे बैठे हैं, ये नहीं बन बैठने चाहिए। नौकरी का क्या हाल किया, आज देश की हालत क्या है। पहले पेशवाई पूना में थी, पेशवाई का था ब्राह्मण बाद अपना गंगा दास कर रहा था पूना में, अब पूरे भारत के अंदर पेशवाई है, ब्राह्मण कभी भी पूरे देश का शासक नहीं रहा। भारत के इतिहास में पहली बार हमारी गलती की वजह से वो पूरे इस देश के शासक है, हम उनको इस देश के शासक नहीं रहने देंगे। सभी जातियां जो है इस विचारधारा के ऊपर काम करना है, ये आसान काम नहीं है। सब काशीराम काम करते हैं तो याद रखिए एक एक चीज देख के आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी अभी एक साथी ने पुस्तक लिखी है, मैं काशीराम बोलता हूं पंजाबी में, कहते मैंने 4 वर्ष लगाए काशीराम के दृष्टांत बताए, मैं इसलिए कह रहा हूं हम जो ये काम कर रहे हैं, अगर आपने ये काम करना है। जब भी मैं जाता हूं, मैंने पहली बार काशीराम जी क्लास अटेंड की, तब वो कहते थे अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी में लिखा, हर बार मैं कहता हूं इफ यू वांट सोशल चेंज, अगर सामाजिक परिवर्तन चाहिए, गेट रेडी फॉर शू बीटिंग, जूता खाने के लिए तैयार रहो। हम जो काम कर रहे हैं हमें पता है हमारी मौत भी हो सकती है, पर याद रखो वो लोग जो इस परिवर्तन के आंदोलन को नहीं चला रहे वो जीते हुए मरे हुए हैं, और जो इस आंदोलन को चलाएंगे वो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। ये आंदोलन की अहम बात सुनना है। काशीराम जी कहते हैं कि जूते खाने के लिए तैयार रहो, काम करोगे धूल धक्के और धूल चाटोगे। आज का तो अच्छी बात, हम कार्यकर्ताओं को अच्छी सहूलत मिल रही है, पहले हमने तो थर्ड क्लास में जैसे सफर किया है पूरे भारत के अंदर, कभी बहुत बड़ी रात है, ट्रेन 8 घंटे लेट है, तो रेलवे स्टेशन पे ही साथी जो है जमीन पे न्यूज पेपर बिछा के लेट जाते थे। पर शाम काशीराम ने जो फेस किया, एक दृष्टांत में रात को पढ़ रहा था, मैंने वीर सिंह जी को सुनाया, वो कहते साहब काशीराम हरध्यान सिंह रोड पे जब कार्य था, एक मिस्टर चौधरी है, वो कहते कि पहले एसटी सिंह चौरसिया जो है राज्यसभा के मेंबर एमपी है, कहते काशीराम जी उनके फ्लैट में रहते थे। वो एसटी चौरसिया ने कहा साहब आप मेरा तो कदम खत्म हो रहा है, अपना घर ढूंढिए। कहते एक चौधरी है उसने एक घर ढूंढा, कहते साहब काम करके आते थे, मैं भी काम करता था,
आंदोलन का ऐसा काम करके आए तो कहते हैं चौधरी यार मुझे भूख बहुत लगी है, 12 बजे से आपके कहते सब देखता हूँ तो कोई होटल खुला है, कहते मैं होटल पे गया तंदूर मैंने रोटियां ली पतली सी दाल, बता रहा हूं कार्यकर्ता को क्या करना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता की अंग्रेजी क्या है? एक्टिविस्ट, नॉट वर्कर, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट क्यों कहते हैं? एक्टिवेट, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, यहां से जगा रहे हैं, ये दिमाग की गुड़ाह दी जा रही है। जो ट्रेन लोग होते हैं 10 घंटे भी बोले, हम जब संगठन पे हमारा ट्रेनिंग होता है तो हम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारा ट्रेनिंग होता है संगठन के ऊपर। तो काशी राम जी कहते मैं आ गया तो सोए हुए थे, बड़ी गहरी नींद है, कह रहे मैंने सामान रख दिया और मैं देख रहा हूं पंखा तेज चल रहा है और वो तो लकड़ बाकी जो रोटी थी, मैं सो गया, सुबह उठ गया। कहते जब वापस आया तो देखा तो वहां ना रोटी है ना दाल है। कहता हम डरते थे साहब से बात करते थे, मैंने कहा साहब वो रोटी कहाँ गई? कहता चौधरी यार रोटी ने लकड़ बाकी सूखी सी, मैं उठो एक पानी का गिलास पड़िया, पानी का गिलास पकड़ा और उस पानी में रोटी को भिगो के खा लिया। वो जानते हैं हम आंदोलन चला रहे हैं, कहते भूख लगी है हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस कहती है 5 घंटे बाद भूख लगती है, बस खा लो। ये सब ने कैसी कैसी दिक्कतें सहन की। हम पंजाब से 83 में जब साइकिल रैली हुई थी, मैं एज ए कार्यकर्ता था, हमने फूले अंबेडकर की विचारधारा का आंदोलन चलाने का बीड़ा सफाई करके जातियों में भी एक लहर चलानी है। लहर चलानी है तो चंद साथी इकट्ठे करने होंगे। हालात इतने बुरे नहीं है, हालात बुरे होते तो हमारी बेटियां PhD करने वाली इस मंच पे ना होती, ये बहुत बड़ा सुधार है। हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। हम साइकिल रैली पे गए, मेरी मां रो रही थी, पुत्र कर्फ्यू लगा है, अमर साहब जला सब खाला थी, अमर साहब ने कर्फ्यू लगा होता, मैं बीबी कोई गल नहीं, इस सड़क के पार तो कर्फ्यू नहीं है, पुलिस से आंख चढ़ा के भाग जाएंगे। अब 10 लोग थे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ने क्या करना है। अब ये तेजी से ट्रेनिंग देने वाले हैं और उस ट्रेनिंग में एक विशेष अभियान के तहत इन जातियों को साथ जोड़ेंगे। एक जाति नहीं जोड़नी, ये मुख्य जातियां हैं। मैं हमेशा बोलता हूं पंजाब में गाली निकालते तो बहन कूड़े चबाड़ा नहीं बन पाया, वो हमें जोड़ के गाली निकालता है, हम टूटे हुए हैं, दुश्मन हमें जोड़ता है। सबक सीखो, हम क्यों टूटे हुए हैं, हमने जुड़ना है, ये काम करना। तो उस खतरनाक हालात में 7 दिन में गांव में घूमते घूमते प्रचार करते हुए हम यहां पहुंचे थे। हमने प्रचारक पैदा करने हैं, ये साधारण काम नहीं है। ये जो मुझे जानबूझ के जो वीर सिंह जी की बात कही थी, मैं अच्छे से रिपीट करूंगा। भारत में एक हस्ती हुई है जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे बोला जाता था बिहार का लैंड, वो समझाते थे। उनका वाक्य मुझे याद आया जब वीर सिंह जी ने कहा ये वाक्य, कहते मैं बात वाक्य कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये बात विचारधारा की है। वो क्या कह रहे हैं, बड़ी अहम बात है, ध्यान से सुनना। वो कहते यदि तुम्हारे पड़ोस में ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए विचार मंथन हो रहा है, आज अंबेडकर भवन में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विनाश के लिए विचार हो रहा है, सलाम करता हूं आप इस विचार मंथन में बैठे हो। ये जो देव प्रसाद कह रहे हैं, अगर यदि तुम्हारे पड़ोस में ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए विचार मंथन चल रहा है और तुम दूसरी तरफ तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी हो, बड़ी अहम बात है। अगर एक तरफ ब्राह्मणवाद को नष्ट करने के लिए विचार मंथन चल रहा है, आपको पता चला है कि मेरे जवान बेटे की लाश पड़ी है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कह रहा है एक तरफ ब्राह्मणवाद के नाश के लिए मंथन चल रहा है और तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी हो, तो सबसे पहले विचार मंथन में भाग लेना, सबसे पहले विचार मंथन में भाग
क्या अहमियत है, ये परिभाषा है जगदेव सिंह, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लैनन ऑफ बिहार, बिहार का लैनन उसे बोला जाता था। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी हो तो सबसे पहले चार मंथन में भाग लो, बेटे की लाश को बाद में दफन कर लेना, अन्यथा ब्राह्मण बाद तुम्हारे समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों को दफन कर देगा। हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चे दफन किए जा चुके हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर एक विचार डाला, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइज इग्नोरेंस। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, उनका कसूर नहीं है, इसे बोला जाता है ऑर्गेनाइज इग्नोरेंस। अब ये लोग पढ़ लिख गए हैं, इनको कैसे दुरुस्त किया जाए? जाओ जितने आपको सीरियल देख रहे हैं डट के, मैं हमेशा बोलता हूं ब्राह्मणी धर्म जो है जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है उसमें ऑलमोस्ट जितने भी करेक्टर हैं वो काल्पनिक है। खास बात, राम कोई नहीं हुआ, कृष्ण कोई नहीं हुआ, जग जननी माता वैष्णो हुआ कोई नहीं। अंदाज करो ब्राह्मण को शत शत नमस्कार, उसने आपके पल्ले झूठ बांधा, उस झूठ को हमने अपने अंदर डाल दिया, हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ। मैं देखता हूं पंजाब के अंदर कई लोग कहते पहना सुखिया है, जगराता करना है, वैष्णो देवी जाना है, बनिया से 10% पे पैसा लेके वो वैष्णो देवी जाते हैं, बाद में अगर 10,000 रुपया लग गया घर में 1,000 रुपया वो इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। ये विचारधारा का काम है, इस तरह की विचारधारा में जो बैठेगा वो साफ हो जाएगा, पता चलेगा वेयर टू स्टैंड, हम कहां खड़े हैं, क्योंकि विचारधारा की अहमियत जो है हमें समझ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को कहना पड़ा वर्ष द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास क्या है, एक लाइन में, इट्स ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू कल्चर टू आइडियोलॉजी। भारत का इतिहास कुछ नहीं है, दो विचारधाराओं की, दो संस्कृतियों की लड़ाई है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद का अर्थ है गैर बराबरी की विचारधारा। आज जो मुकाबला है किनका है, जो देश में परिवर्तन चाहते हैं किनके साथ मुकाबला है, जो ये परिवर्तन नहीं चाहते। बाबा साहब ने कहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया दो विचारधारा की लड़ाई है, एक गैर बराबरी का विचार जो हमें बार बार सताता है, हमें अपनी जाति बताते हुए शर्म आती है, डरते हैं लोग। मैं इंग्लैंड में भी देखता हूं, यूएसए में देखता हूं, मेरी बेटी ने बताया कि डैडी मेरी रिश्तेदार एक रिश्तेदार बोल रही है कि मेरा बेटा बोलता है मां जो जब टिकाला गुरुद्वारा उठे जाना है, रविदास ने गुरुद्वारा ही जाना, कहां गया था? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक है, आज ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है, अगर हमारे लोग बाहर जाना शुरू हो जाएंगे ये अंतरराष्ट्रीय समस्या बन जाएगी। कहते मेरा लड़का बोलता है मां रैदास के गुरुद्वारे पर जा, मुझे नहीं सोचता वहां कौन सी आपने रिजर्वेशन लेनी है। ये विचारधारा आपको हर्ट कर रही है, डरा रही है, सता रही है, क्योंकि गैर बराबरी की विचारधारा है। जो इस विचारधारा में आ जाता है सबसे पहले, मैं कई बार बोलता हूं अरे हमारी क्लास में आओगे तो एक बहुत महान गुण आपके अंदर आने वाला है, वो कौन सा गुण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वो किसी को ऊपर विश्वास नहीं करते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करना। हमारी क्लासेस बच्चों के अंदर, हमारे साथ उदाहरण है, ये बाली जी बैठे हुए हैं, उठिए जरा, मैं इनको इनका उदाहरण देता हूं, ये बाली जी बैठे हुए हैं, कहते मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, आज ये मुझे बोलते थे डेल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ी, कहते मैंने एक वकील से बात किया, वो कहते कहां से पढ़े हो, कहते मैं साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ये केटरिंग करते हैं, कहते मैं केटरिंग करता हूं, जब से संगठन के साथ जुड़ा हूं कम से कम
दिया, इनकी मम्मी ने पूरी पुस्तक पढ़ लिया, फिर ये और पुस्तक पढ़ा। हम ये कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी हस्ती है, हमारे अंदर असीम शक्ति है। एक और व्यक्ति कह रहा है, वैसे मैं सीनियर सिटीजन हूं, पर मैं याद रखो मैं 69 ईयर का जवान डर के काम करता हूं। अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं 5 घंटे, आज तो कहते हैं उसे 5 आवर्स, 5 घंटे बोलना, कोई बकवास नहीं करना है, मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग देना है लोगों को। इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी एक उदाहरण है। मम्मी साथ आ गए और कमाल की बात है, दुखी थे, मुझे ध्यान आ गया कार्यकर्ता का क्यों बना रहे, दुखी थे बहुत। कहता हूं मेरी पत्नी नहीं आती, मैं कह बाली की चिंता मत करो, जबरदस्ती नहीं आने वाले, बता रही हूं यही तो ट्रेन कर रहा हूं, चिंता मत करो वो आएंगे, याद रखो अच्छा काम करो। अरे जैसे बोलते हैं सारे पत्थर जो है वो गिर जाता है, क्या हम पत्थर से भी गिरते हैं? ये उदाहरण है, उनकी पत्नी, उनको भी मैं सलाम करता हूं, आज तो खुद आते हैं, उनको एहसास हुआ कि विचारों का जो मिलन है, याद रखो ये हमारी लव क्लास हो रही है। आज हमने लाभार्थी साथियों को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अदरवाइज हमारे इस समारोह में, हमारे कार्यक्रम में 50% पहले आती है, क्योंकि हम फैमिली क्लास लेते हैं, परिवार की क्लास, उसके स्पेशलिस्ट हैं वीर सिंह बहुत जी, क्योंकि मैं तो कम आता हूं। परिवारों के ऊपर हमने इतने असर वर्क पड़े हैं, जितने काम है ब्रह्म ने किए हैं। खास बात, और आज की खास बात कि जब डॉक्टर संदीप जी बोल रहे थे, मैंने उनको बैठने कहा, डॉक्टर साहब आज आपका मुझे पता चल गया कि असली उद्घाटन आपने आज किया है, सलाम है आपकी वाणी को, ये अच्छी बात है। पता लग गया कि मेरा बंदा प्यार हो गया है, ये हमारा लड़का प्यार हो गया है, बड़ी कमाल की बात है। लगातार हमने भी लगातार किया, बोला जाता है हम जो काम कर रहे हैं, एक उदाहरण है, छोटा सा लगता बच्चा रो रहा हो, उसको बुखार हो, अगर उसको डॉक्टर सुई लगाता है, हो सकता बच्चा ऐसे हाथ मार दे, पर डॉक्टर का काम है प्यार से उसको इंजेक्शन लगाओ। विचारधारा एक इंजेक्शन है, जिसको लग जाएगा वो सोएगा नहीं, लगी वाले पे कटरी सोने तेरी किस्मत लाके। ये इश्क है, ये प्यार है, दुनिया का सबसे बड़ा अटका प्यार हमारे संगठन में है, एक एक जाति के अंदर प्यार भरा हुआ है। प्यार तो बड़े बड़े गुंडे लुचों को ठीक कर देता है, सैद्धांतिक काम नहीं है। प्यार हमारी साधना, प्यार हमारा पंथ, जो भरा है प्रेम से उसी को मानो संत, जिसके अंदर प्रेम की भावना है उसको हम संत मानते हैं। अरे भैया हम जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं, कई बार लोग प्लेन काटने के लिए खड़े होते हैं, वो हमें जानते नहीं, दिखाता है डीडी कल्याणी वीर सिंह जी, हम पहुंचते हैं वो हमारे रिश्तेदारों से भी ज्यादा बढ़िया बन जाते हैं। ये विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं। और याद रखिए, खून का रिश्ता जो है उसकी बहुत अहमियत है। मेरा एक दल, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, मैं कहूंगा यार मेरे बड़े बेटे के साथ विचार नहीं होते, पर याद रखो जो विचारों का रिश्ता होता है वो सचमुच सगे रिश्ते से, ब्लड के रिश्ते से भी बेहतर है। आप हमारा एक परिवार हो, ये बहुत बड़ा परिवार है, याद रखना भारतीय समाज मान सकता कि विचारों का मंथन कर रहा है, कौन से विचारों का, गैर बराबरी के विचारों को तबाह करने का काम कर रहा है। ये ब्राह्मण वाद का नाश करने का विचार करने वालों, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये फूले अम्बेडकर की विचारधारा, हम पहले दो जातियों को बिठा करके, हमारे पास ओबीसी भी बैठे हुए हैं, चमार जाति के लोग बैठे हुए हैं, और खास बात ये लगातार मेहनत करने की वजह से मैं देख रहा हूं यहां पानी की जरूरत पड़ती है। आपको पता है ये काले वाले बाबू जो उठ के जा रहे हैं कौन है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, 1-1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया सैलरी लेने वाले लोग हैं। पता चलता है जो कार्य करता है वो कभी परवाह नहीं करता, वो जमीन पे काम करता है। ये लाल बाबू सफाई वाले ये काम करने वाले लोग हैं। मैंने उदाहरण एक बड़ा कमाल का, RSS का, कहते जब नेहरू पहले इलेक्शन
सीधा कहें सर जनसंघ को वोट देना, जनसंघ को वोट देना इसको कहा जा रहा है जिन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ा, जो प्रधानमंत्री है जीतने वाला है, कार्यकर्ता जानता है चोट पकड़ो। मुझे कई बार साथी बोलते हैं अमर साहब ने हमारे को डिप्टी डायरेक्टर ठहरे हुए हैं, अब वो जॉइंट डायरेक्टर ठहरे हुए, तो मैं कई साथियों के ये डॉक्टर है कहना मिलानी साहब बात 20 बार इसके वो तो बारिश निकाल के कह रहा था 20 बार इसके कहा है, हालांकि कभी होता ही नहीं है। मैं चिंता मत कर, हम समाज के मैसेंजर हैं, अलग जमाते हैं, हम अलग रहने वाले योगी हैं, हमें गवाह लगा किसी की मर्जी है आए ना आए लगातार काम करो। याद रखिए दिल्ली में हमारे पास एक फकीर है, ये फकीर बैठे हुए पीछे फकीर बहुत बड़ा लोग है, फकीर फकीर का शब्द क्या है, फकीर कहते हैं दुनिया में जो काम करना है चाहे फाका हो कुछ भी ना हो। रजे जी कहते रहते हैं कहना सर क्या करें, वीर सिंह जब हमारे साथ जाते हैं एक बार 8 घंटे हो जाते हैं कुछ भी नहीं खाते, हम कहते वीर सिंह जी कुछ तो खा लो, इन्हें कोई फर्क नहीं आगे ढाके खा रहे हैं। कई बार मिसेज बोलती है कल्याणी जी सारा घूम गया है घर आके बोलते खाना है, टाइम नहीं लगा। याद रखो हमारे पास बहुत कम समय है, हम बार बार कह रहे हैं अपने नौजवानों को ये वो बाबा नहीं जो मंत्र शिपाक रखते हैं, ये वो बाबा भी नहीं जो बलात्कार करते हैं, सामने बैठे हुए हैं ये समझा रहे हैं, हमारे फार्मूले बिल्कुल ओपन है, ये ऐसे डॉक्टर हैं घूम घूम के कह रहे हैं समाज बीमार है। देख ले बीमार आदमी अपने आप को मरीज नहीं मान रहा, ये बड़ी खतरनाक बात है, लोग दिमाग बीमार है, देश के लोग बीमार हैं, उनको बीमार कर दिया हुआ है, उस बीमारी की वजह से उनको लगता है कि आने वाला है। चलो किसी बाबा के पास किसी गुरु के पास और क्या बोलते यदा यदा ही धर्म से गुलामी बनती बाहर का, जब जब धर्म को हानि आएगी मैं आऊंगा, लोग वेट कर रहे हैं नहीं आने वाला कोई नहीं आने, समस्याओं का समाधान अकेले बाबा अंबेडकर ने किया, अकेले बाबा साहब हमारी समस्या का समाधान। इस कुर्सियों पर बैठने के काबिल हम इसलिए बने, नहीं तो मेरे पास पुस्तक है कल फिर इनको बोला इसकी फोटो कॉपी कराना, सभी समस्याओं का मूल कारण यह छोटी सी पुस्तिका है, बड़ी कमाल की है, हस्ती है अर्जुन अंधरंग से लिखी ये पुस्तक छोटी सी, सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद, ये उस व्यक्ति का संपर्क है, सभी समस्याओं का भारत के अंदर अशिक्षा है तो लिखा हुआ मेरे समिति ने शूद्रों को शिक्षा मत दो, शूद्रों की ज्यादा क्या है, कुत्ता बिल्ली लोहे के बर्तन मिट्टी के बर्तन मुर्दों के कफन, ये जायदाद लिखी हुई है हमारी, लिखा हुआ है ये जिंदे जानवरों का मांस नहीं खा सकते, ये बकरे का मांस नहीं खाएंगे, ये मुर्गे का मांस नहीं खाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा दीवार पर कई तो देख कर कस मरे हुए जानवरों का मांस मजबूरी में खाना पड़ा, वो कहते मैं ऐसे हालात बनाऊंगा देसी घी की बनाई है देसी घी नहीं खा सकते, ये सारे के सारे खान के खाने के रास्ते बाबा साहब अंबेडकर ने खोले। हमारे पढ़े लिखे बोलते ना आजी आज मंगलवार मीट नहीं खाऊंगा, पहले वो नहीं खाने देते थे हमने खाना बंद कर दिया, उनके ही महान व्यक्ति ने कहा था विवेकानंद ने खाना क्या खाना है क्या नहीं खाना ये पसंद और नापसंद का प्रश्न है, हिंदू धर्म रसोई का धर्म है, रसोई का धर्म कोई धर्म नहीं होता, क्या खाना नहीं क्या खाना इसका किसी धर्म के साथ संबंध नहीं है। आज उनकी इतनी ताकत है वो बता रहे हैं कि आपको क्या खाना है आपको क्या नहीं खाना चाहिए। याद रखिए देश की हालत इतनी बुरी है, हमें अनपढ़ बनाए रखने की कितनी साजिश है, इस देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसकी खास बात ये बुक लेके आया हूं, पोर्टल ऑफ लाइफ संसार की महान बुक है, अमेरिका लेडी लिखी है पोर्टल ऑफ लाइफ, वो बता रही है लेडी एक मिस्टर ठाकुर है जो इनके सीईओ थे उसने देखा कि वैक्सीने कह रही है ये बार में दे रहा हूं देश में 90% लोग हैं हम ही करने वाले, तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भारत के अंदर 14 करोड़ लीटर रोज दूध बनता है, खपत कितनी है 64 करोड़, 64 करोड़ जो है
ये 54 करोड़ क्विंटल दूध कहां से आ रहा है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को वार्निंग दिया है, ठीक हो जाओ 2025 तक भारत में 87% लोग जो हैं वो कैंसर के मरीज हो जाएंगे। 87% लोग, मैंने क्या कहा? जानकारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, वो बता रहे हैं, हमारी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। भारत की 55% महिलाएं अनीमक हैं, खून की कमी है 55%। अब जो महिला अनीमक है, जिसको खून की कमी है, वो क्या स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी? हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो लगड़े लुले बच्चे पैदा होंगे। ये हालात बन रहे हैं। एजुकेशन जो है, अभी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था 1000% तक फीस बढ़ सकती है, अभी हमारी फीस 350% बढ़ी है। वो एजुकेशन का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस विषय के अंदर, इस विचारधारा पे काम करोगे आपके पास महान जानकारी आएगी, मजा आएगा। हम नॉर्मली सोते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आजकल हमारी बेटियां, लेकिन हम इकट्ठे होते, मैं निकल के दूसरे कमरे में आ जाता हूँ, एक बार आधी रात को मिस्टर बिलानी जी क्या कर रहे हो, मैं सो जा कहीं बाहर नहीं। मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में 2-4 साल जिंदगी में कम हो जाए, लेकिन जीवन जो है उसका को मस्त रखना चाहिए, ये बात जरूरी है, अहम बात है, छोटी बात नहीं। ये जो कर रहे हैं देश के अंदर, ये सरकारें जो कर रही हैं, बीजेपी आरएसएस, वो याद रखो हमको पक्की गुलामी के अंदर लपेटना चाहती है। उनका एजेंडा इतना तेज है, वो दिन रात हमें गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, उनका जो गीतों का प्रोग्राम है दशहरा दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जितने सीरियल हैं उसमें देवता दिखा रहे हैं, जय जग जननी वैष्णो, अरे क्या इस डर की स्थापना उसने की है, कोई जानता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते भी मैं हो गया, तो हम घूमने नहीं गए जाते, मैं स्पेशली बच्चों को बोला 7 घंटे की फ्लाइट है, मैंने कहा यार इस बार मेरा ध्यान है, बहुत अरसे से बोल रहा हूं अपने मसीहा के, मैं क्या ब्राह्मण ही बोलते हैं, अपने मसीहा के दरबार को सलाम करना चाहता हूं, जहां मेरा मसीहा पड़ा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या मैं बता रहा हूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर को लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। किसी को पूछो अमेरिका में, किसी को पूछो इंग्लैंड में, वो सरस्वती, सरस्वती को कोई नहीं जानता, हम यहां कहते हैं एजुकेशन की देवी है, शिक्षा की देवी है। 1848 में पहली बार एक महिला अध्यापिका बनती है, इससे पहले कोई औरत जो है पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं हर जगह जानता हूं तो कहां हो गई है सरस्वती देवी, कहां से आ गई, क्या कर रहे हैं, कहां खड़े हैं? बाहर किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जानता, भारत की रचना ब्रह्मा ने जो मुखो ब्राह्मणा वायु क्षत्रिय उदर वैश्य पाद शूद्र, पैरों से शूद्र पैदा हुआ, ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ, आज मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल गई है, ब्राह्मण को कहते रहते पैदा होकर के दिखाओ ब्राह्मण को यहां से, वो समझता क्या? उन्होंने मोदी को इंटरनेशनल मंच पे कहना कहा, हमने युद्ध नहीं हमने बुद्ध दिए हैं, बुद्ध का नाम उसे लेना पड़ा, एक जानते हैं एक मसीहा निकला, उसका जो प्रचार है पूरे संसार में हुआ। ये सारे के सारे जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये फूले अम्बेडकर की विचारधारा की बात है, क्योंकि आज विचारधारा पर चर्चा नहीं थी, विचारधारा पर चर्चा हो तो संसार में विचारधारा के माध्यम से लोगों ने कमाल किया, थॉमस पेन ने कमाल किया, संसार का महान विचारक, एक मजदूर कपड़ा सीने वाला दर्जी थॉमस पेन, 3 क्रांतियां संसार में की उसके विचार, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। और कहते हैं कि थॉमस पेन को जब नेपोलियन पार्ट होना पार्ट कहते हैं अपने सेक्रेटरी को, यार उठ थॉमस पेन को मिलने चले हैं, थॉमस पेन वो तो दर्जी बेटा छोटी सी दुकान पे उसके पास जा रहे हैं, अरे तू नहीं जानता ये जो फ्रांस की क्रांति हुई है ये थॉमस पेन की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई, संसार की महान क्रांति है सामाजिक क्रांति जो है ये थॉमस पेन ने की है, थॉमस पेन के विचारों ने की है। राइट ऑफ ए मैन पहली बार मैंने पढ़ा, बेटी बोली डैडी क्या लेके आओ, कपड़े लेने नहीं, थॉमस पेन की पुस्तक लेके आओ,
अरे फूले जी ने, फूले जी ने, हाँ आप फूल क्या सर, मैंने मुझे क्यों पता चला, फूले जी ने लिखा। अंदाज करो हमारा बोल, लड़का किसने कह रहा हूं, हमारा पुरखा मैट्रिक पास करने के बाद जब पुस्तक लिखता है गुलामगिरी, उसमें ये कहता है मैं थॉमस पेन से प्रभावित हूं। मैंने एकदम सोचा मैं तो थॉमस पेन को जानता नहीं, मौका है बच्चों को कहो ये पुस्तक ले गया, थॉमस पेन की पुस्तक ले लिया। राइट ऑफ ए मैन, मानव के अधिकार क्या है, आजादी का पुरोहित, आजादी का पुरोधा, उस आजादी का मालिक, तीन देशों को आजाद कराने में थॉमस पेन की महान भूमिका है, क्रांति की महान भूमिका है इटली के अंदर, ये अहम बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विचारधारा के जितना काम किया है, याद रखो हम जो काम कर रहे हैं नीरस है, लेकिन हमें जानते हैं कि हमारे पास इतना दमखम है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो बड़े महान लोग हुए हैं कोई जादू नहीं था, उनकी वाणी में जादू था, उनकी वाणी लोगों को खींचकर खींच के लाती थी। कहते हैं कि बाबा साहब बोलते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, ईसा बोलते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हम बाबा साहब अंबेडकर की असली औलाद हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर की संतान हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर की संतान ने सोचा हुआ है कि हम भी ये लोग जो है हताश हैं, निराश हैं, फूले अंबेडकर की विचारधारा से जिंदा करेंगे। इसी के तहत हमने आज ये विषय रखा कि सफाई करनी जातियों के अंदर, क्योंकि हमने क्यों किया ये ध्यान बात करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ पूरे भारत के अंदर जितनी भी वाल्मीकि जयंतियां मनाई जा रही हैं उसे बोलते हैं प्रकट दिवस। कहां से प्रकट हुआ? प्रकट दिवस 10,000 साल पहले पैदा हुआ। हम बोलते भैया 5,000 साल पहले लिपि नहीं थी, लिपि नहीं थी, ढंग से बात करो, लिपि नहीं थी। इसलिए बोल रहे हैं कि विचारधारा का जो काम है इसको जमीन पे खड़े होके हमें करना होगा। वाल्मीकि जाति के लोग वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, वो पूजा केंद्र जयंती है, पूजा केंद्र, वाल्मीकि जयंती पूजा केंद्र का जयंती है, पूजा करने के लिए पूजा केंद्र केंद्र जयंती, वाल्मीकि जयंती परंपरा केंद्र की जयंती। हम भारत के अंदर वाल्मीकि जयंती जो है वो मिशन मिशन केंद्र और आंदोलन केंद्र केंद्र कर रहे हैं, इसको आंदोलन में ठाल देंगे। इसे बोलते हैं मिशन ओरिएंटेड, इट इज मूवमेंट ओरिएंटेड। हम इन लोगों के अंदर आंदोलन करने की भावना पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, मेरी बेटी वहां पीडॉक करती पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, अगर वो फ्री हो गए नौकरी कोई नहीं देगा उसके लिए कौन काम करेगा। इसके लिए हमने अपने लोगों को तैयार करना है, हमारे अगर स्कॉलर बनेंगे घर में फ्री बैठ जाएंगे, कहते हैं खुराफाती दिमाग बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के बाद उनको रोजी रोटी अच्छी नौकरी मिले, अच्छा स्टेटस मिले, तो हमें जिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा था साधु ये मुर्दों का गांव, कितनी कमाल की बात, वो तब कह रहे साधु ये मुर्दों का गांव, मेरे सामने मुर्दे बैठे हैं और कह रहे हैं कबीर साहब साधु ये मुर्दों का गांव, साची कहूं तो भारत धारे, सच बोलता हूं तो मुझे मारते हैं, झूठा जग पत्याना, झूठ बोलते हैं। हां बहुत अच्छा कमाल कर दिया, आज देश के अंदर लाखों रुपए के पंडाल लगा के कहते सत्संग, झूठ के सामने कहते सत्संग, झूठ बोलते हैं, बस प्रभु का स्मरण करो सब ठीक हो जाएगा। अरे हम सैकड़ों सालों से कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, प्रभु की कृपा है, कृपा कभी नहीं होगी, वो कृपा हमने अपने ऊपर खुद करनी है। बाबा साहब ये पुत्र क्यों कहा बी दाई ओन लाइट, अदीपो भव, अपनी रोशनी आप बनो, हम अपनी रोशनी आप बनेंगे तो हम दूसरों को भी रोशन कर सकते हैं। वाल्मीकि जयंती के ऊपर मैं देख रहा हूं लाखों दिए जला रहे हैं, कहने प्रकाश उत्सव, अरे बाहर के दिए इसलिए हम जला रहे हैं, हमारे अंदर के दिए गुल हैं, अंदर अंधेरा है, हम चाहते हैं हमारे समाज के लोगों के दिमाग में रोशनी हो, अगर दिमाग में रोशनी होगी तो बाकी समाज को जाके जागृत करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आज का जो हमने ये फंक्शन किया है लोग जागृत होंगे और बाकी लोगों को भी जगाने का काम करेंगे।
धर्म ने आज हमने ये वाल्मीकि जो जयंती है इसको समर्पित किया है। अपना भारतीय समाज निर्माण संघ ने कि इस जयंती को समर्पित करना एक मकसद था कि लोगों के अंदर वाल्मीकि महान थे उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लोग महान क्यों नहीं है, हमने इसके ऊपर सोच रहे हैं। हमें लगता है ऐसा होने महान थे, उसकी महानता के ऊपर कोई साइड ऑफ इंटरोगेशन नहीं, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। हमने अपने लोगों को फूले अम्बेडकर की विचारधारा जिससे दुश्मन घबराया हुआ है उस पर हमने काम करना है। अगर लगता है हालात बहुत अच्छे हैं, हालात बुरे नहीं है, अगर मान के बुरे हैं क्यों कहा था कभी सा मन के हारे हार मन के जीते जी। अगर आपका मन ठोस है सब कुछ होने वाला है। अपने मानसिक स्थिति को बड़ा करो और याद रखो हमारे एक एक कार्यकर्ता की मानसिक स्थिति इतनी कमाल की है, एक एक कार्यकर्ता हमारा योद्धा है। और मैं सोचता हूँ हमारी बेटियां भी जो है ये इस आंदोलन की वीरांगना बनेगी। मैं आशा सिंह आशा के साथ एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।